वुमेन हेल्थ इज मस्ट, नॉट ओनली वीमेन बट एवरी वंस हेल्थ इज मस्ट. लेकिन आज मैं बात करूंगी वीमेन हेल्थ के बारे में. वुमेन हेल्थ को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वुमेन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उसके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे उसका मेनोपॉज का टाइम है, उसका पीरियड स्टार्ट होने का टाइम है, उसका डिलीवरी का टाइम है. बहुत बहुत चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, इवन इमोशनल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, और ये सब चेंजेस उसकी हेल्थ पर बहुत असर डालते हैं. तो उसके लिए जरूरी है कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ बरकरार रहे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स नर्चर आवर माइंड्स. आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी एक ऐसे टॉनिक की जो वुमेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. आयुर्वेद में रोज यानी कि गुलाब को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इससे बहुत सारे मेडिसिन्स भी बनती हैं. इसके जो गुण है वो ताकत देने वाले गुण होते हैं. रोज से गुलकंद बनता है, गुलकंद से ताकत आती है. आयुर्वेद में रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम स्किन केयर की बात करें, चाहे हम बात करें इमोशंस केयर की, इमोशनल केयर की बात करें, तो वहां सब जगह पर रोज काफी फायदेमंद होता है. और आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ उसमें मेन इंग्रेडिएंट रोज है, यानी कि गुलाब. और गुलाब आपने वो नहीं लेना है जो मार्केट में वैलेंटाइन वाला बड़ा सा गुलाब आता है, वो नहीं लेना है, देसी गुलाब लेना है. ये छोटा छोटा होता है, पिंक कलर का भी होता है, रेड भी होता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन रेड की वैल्यू ज्यादा होती है. इससे जो हम रेसिपी तैयार करेंगे वो एक टी होगी, हर्बल टी होगी, जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा, और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बरकरार रखेगा बल्कि बढ़ाएगा भी, और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है. जब ये सारी चीजें होंगी तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी इससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा. कई बार होता है विमेन में हार्मोनल चेंजेस के कारण वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो एक बढ़ता हुआ वेट बहुत बड़ी समस्या हो जाता है. बैली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, वो भी एक समस्या हो जाता है. तो जब हमारा ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाता है, यानी कि 25 के बाद जब ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाता है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती. अगर इस टॉनिक का डेली यूज किया जाए, महीने में आप कम से कम एक हफ्ता इसको यूज करें, पूरा आपने लाइफ टाइम लगातार लगातार इसको पूरी उम्र नहीं लेना है, आप हर महीने एक हफ्ते तक भी इसको ले लेते हैं तो बहुत फायदा करेगा. चलिए बनाते हैं इसे. आयुर्वेद में गुलाब को त्रिदोषिक माना जाता है, तो यहां मैंने गुलाब लिया है, काली मिर्च, सौंठ, हरी इलायची, लौंग, नारियल का तेल, और मैंने साथ में लिया है हनी. हनी आपकी चॉइस है, आप इसको मिला भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मिला सकते हैं. गुलाब को सबसे पहले धो लिया, ये 7-8 फूल हैं छोटे वाले गुलाब के, इनको अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हमने इसकी हर्बल टी बनानी है जो एक मेडिसिन का भी काम करेगी. अब इन जो मसाले हैं, जैसे काली मिर्च और इलायची, इनको मोटा मोटा कूट लेना है. बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा कूटेंगे. और गुलाब की सिर्फ हमें पेटल्स चाहिए, पंखुड़ी चाहिए, बाकी सब पूरा इसका जो पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे, हटा देंगे. गुलाब एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमें बचाता है. फ्री रेडिकल को एंटर ही नहीं होने देगा, और एंटर भी हो गए तो उन्हें निकाल के बाहर करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉलीफिनॉयल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं. गुलाब माइंड एंड बॉडी दोनों के ऊपर पॉजिटिव असर डालता है. जो इसकी खुशबू है वो माइंड के ऊपर बहुत अच्छा असर डालती है, और जब इसको पिया जाए तो माइंड एंड बॉडी दोनों रिलैक्स होते हैं, वहाँ से स्ट्रेस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और मूड इन्हेंस होता है. ये इसीलिए मैंने वीमेन हेल्थ के लिए बताया, क्योंकि वीमेन के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा रोल निभाने पड़ते हैं, और हर रोल को निभाते निभाते वो थकती भी हैं, उनके अंदर स्ट्रेस भी होता है, कई बार गुस्सा भी होता है. तो अगर ये हर्बल टी पी जाए तो उनका मूड इन्हेंस होगा, स्ट्रेस दूर होगा, और एक जो मूड है वो अच्छा रहेगा, ताकि गुस्सा नहीं आएगा. इसके अंदर
जितने भी कंपाउंड हैं वो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर हमने लिया है करीब 300 मिली पानी लेके, और इन सब चीज़ों को हमने इसमें उबालना है। सबसे पहले हम रोज़ पेटल्स और सौंठ डाल के उसको उबालेंगे, और जब उबलने लगेगा तब बाकी चीज़ें हम उसके अंदर डालेंगे। तो मैं बता रही थी कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम है उनको भी इससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलैक्स होते हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, उससे छुटकारा मिल सकता है। ये हर्बल टी हेल्थ और ब्यूटी दोनों को बढ़ाती है, दोनों के लिए अच्छी है। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके स्किन में निखार भी आएगा। अच्छा, ये मूड को एनहेंस करती है, और साथ में एक इसका बड़ा काम ये है कि जो होता है ना कि खाली बैठे ओवर थिंकिंग करते हैं, मन में पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आते रहते हैं जो परेशानी का कारण बन जाते हैं, कई बार तो बिना मतलब के गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो ये ओवर थिंकिंग को भी नहीं होने देता है, माइंड को इतना रिलैक्स कर देता है कि वो फालतू की बातें नहीं सोचता है। अब देखिए, ये जब उबलना शुरू हो गया, मैंने बाकी मसाले भी इसमें डाल दिए। अब इसे स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जितने भी इन चीज़ों का एसेंस है वो उस पानी में आ जाएगा। उसके बाद हमारी चाय तैयार हो जाएगी। इसमें ये जो चाय है ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है, लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ये तीनों चीज़ों को इन्हेंस करती है, यानी कि माइंड में हमारे दिमाग में इतनी फुर्ती ताजगी ला देती है कि माइंड जल्दी से चीज़ों को रजिस्टर करता है, उनको जब ज़रूरत पड़े तो रिकॉल कर सकता है, और जब ज़रूरत पड़े तो उनको काम में ला सकता है। तो मतलब धी धृति और स्मृति, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, उन तीनों चीज़ों को ये बढ़ाता है। आप सोच अच्छे से सकते हैं, समझ अच्छे से सकते हैं, गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आपका मूड सही रहेगा। बस और क्या चाहिए हेल्थ के लिए, यही चीज़ें चाहिए, और ये सब हमें मिल रही हैं। अब चाय बन जाने के बाद इसमें हम नारियल तेल डालेंगे। ये दोनों चीज़ के लिए अच्छा होगा, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होगा, स्किन को अंदर से मॉइस्ट और इलास्टिक बना के रखेगा। जिन लेडीज़ को पीरियड्स में क्रैम्स आते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। हनी आपकी चॉइस है, डालना चाहें तो डालें, न डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी पी सकते हैं। आपकी टी जो है बन के तैयार होगी, ये बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है। तो ये था एक आसानी से बनने वाला टॉनिक। जैसा कि मैंने बताया, इसको लगातार आपने महीनों महीनों नहीं लेना है, आप एक महीने में इसको एक हफ्ते तक ले लें, लेकिन जब आप लेना शुरू करते हैं तो इसको लगातार लें, 5 दिन 6 दिन लगातार लें। उसके बाद आप इसको ब्रेक दे सकते हैं, एक महीने का ब्रेक दे दें, 45 डेज का ब्रेक दे दें, उसके बाद फिर से इसको ले लें, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और इसका असर आपको जब आप लेना शुरू करेंगे तो पहले महीने से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बनाने में मुश्किल नहीं है, मिलना भी आसान है, रोज़ मिल जाते हैं, और अगर आपको जब रोज़ का सीज़न नहीं होता है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से रोज़ पेटल्स ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं, उसका भी असर काफ़ी होगा। जब ताज़ा मिले तो ताज़ा से बना लो, जब नहीं मिले तो रोज़ पेटल्स लेके बना लो। बाकी चीज़ें तो आपके किचन में ही हैं, तो आप इसे बना के देखिए, इसके पूरे पूरे फ़ायदे उठाइए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।